सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारत नेपाल सीमा स्थित हनुमान नगर से एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी राधे राय कई अपहरण कांड में शामिल था, जिसको पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। बताया जाता है कि इस अपराधी पर ईंट भट्टा कारोबारी के पुत्र अभिषेक कुमार समेत कई दूसरे के अपहरण का आरोप है और सोनबरसा थाने में केस भी दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से नगद पैसे, पिस्टल और कारतूस को भी बरामद किया है। भारत नेपाल सीमा पर जो निर्माणाधीन सड़क है हनुमान नगर में, वहीं पे चेकिंग चल रही थी SHO सोनबरसा के द्वारा। उसी चेकिंग के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। संदिग्ध व्यक्ति के पास से एक मोटरसाइकिल और कुछ चरस जैसा पदार्थ, करीब 1 किलो 900 ग्राम और एक अवैध देसी कट्टा, दो गोली के साथ रिकवर किया गया। पूछताछ के क्रम में जब इनके बारे में डिटेल छानबीन की गई तो पता चला कि शहर सोनबरसा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले दो बड़ी अपहरण की वारदात हुई थी। तो उसमें SDPO सदर 2 के नेतृत्व में एवं अन्य जो DIU की टीम है पूछताछ की, तो उसमें जानकारी मिली कि ये अपहरण के मुख्य जो थे सरगना थे और इनके साथ एक था राजेश मांझी थे, जो कि नेपाल में पकड़े गए थे। वो भी DIU के सहयोग से ही नेपाल पुलिस पकड़ी थी। राजेश मांझी पे कई मामला दर्ज था नेपाल में, उसी में ये भागे भागे चल रहे थे। उधर नेपाल पुलिस से भी हम लोग लगातार संपर्क में थे इनके संबंध में, लेकिन ये अपहरण के में जो पैसा प्राप्त हुआ था उससे अपना ये बिजनेस कर रहे थे। पूछताछ के क्रम में रैंसम का जो 2 लाख रुपया है वो भी इनके पास से रिकवर किया गया है और ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। आप जानते हैं कि व्यवसायी को अपहरण करके ये लोग नेपाल में ले जा करके रखे थे और नेपाल की टीम के साथ मिल करके ये लोग रैंसम की मांग करते थे। उसमें कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे 6 लोग पूर्व में पकड़े गए हैं और ये चूँकि मुख्य सरगना थे तो इनकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग इसमें और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सबकी पहचान कर ली गई है, सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन मेन जो थे इसमें इन्वॉल्व वो पकड़े गए। ये है कहाँ से हैं? ये हैं आपका रामनगरा कन्हौली थाना के, लेकिन नेपाल में ये रहते हैं और नेपाल में इनका बहनोई है जो कि नेपाल के ही वासी हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर नेपाल में ये गाड़ी वाड़ी चलाते थे वहाँ पे और अपना एक गैंग बनाए हुए थे, उसी गैंग के साथ मिलकर के घटना को अंजाम देते थे और अपहरण करके ये लोग नेपाल में ले जा करके रखते थे। जहाँ रखते थे उस जगह की भी पहचान कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या ये माना जाए कि ये फिर से किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे पिस्टल? बिल्कुल संभव है कि फिर से किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, लेकिन इनके पीछे हमारी पूरी SDPO सदर 2 के नेतृत्व में और DIU की टीम इनके पीछे लगातार लगी हुई थी और इन पर हम लोग निगरानी रख रहे थे और ऐसे किसी घटना को अंजाम देने ये में सक्षम न हो इसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए थे। लेकिन रात में ये आ रहे थे तो रात में इनके साथ 2 ड्रग्स पकड़ा गया, तो इसे लगता है कि ये ड्रग्स के कारोबार में भी संलिप्त हैं और पैसा मिल गया तो उसमें ये इस तरह के कारोबार को भी अंजाम दे रहे हैं।